दुनिया के अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कौन नानक सब तेरी ओनियाई कोई नाम न जाने मेरा सत
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ
जंजीर बांध करे करे कबीर, टूटी जंजीर मेरी टूटी जंजीर, टूटी जंजीर मेरी टूटी जंजीर, गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, टूटी जंजीर मेरी टूटी जंजीर, टूटी जंजीर मेरी टूटी जंजीर, गंगा की लहर मेरी टूटी चल चल
पत्थर इतो उठा लिया, सड़क बन गई ने, जंगल कट दिते ने, इतने बड़े खूंखार जानवर सन, शेर चीते इतने बहुत खतरनाक जानवर सन, इतने कोई आंदा नहीं थी का, ए पहाड़ सन, इतने जंगल सन, ए सिर्फ दिल्ली के बॉर्डर तो 20 किलोमीटर की दूरी से असि खड़े। गोपर साहब गल करिए दिल्ली पुलिस की, तुसी दिल्ली पुलिस को सीधा सीधा टारगेट किया है जी? जड़ियां लाशां गिरियां सन रात दे अंधेरे विच, दिल्ली पुलिस उठा के इत्थे अरावली दी पहाड़ियां च लैके आई। तुहाडा सवाल है सबूत की ने? बिल्कुल। अरे जद लाशां गिरियां, दिल्ली पुलिस ने कोई एफआईआर नहीं लिखी, एक भी एफआईआर नहीं लिखी, पहला सबूत। दूसरा, लाशां नु इकट्ठा करके उना लाशां दा पोस्टमार्टम नहीं कीता, दूसरा सबूत। तीसरा सबूत, लाशां नू किसी मुर्दा घर विच नहीं रखा गया, तीसरा सबूत। चौथा सबूत, किसी हस्पताल दे विच लाशां नू नहीं रखा गया, किसी डॉक्टर ने लाशां दा पोस्टमार्टम नहीं कीता, सरकार दे किसी खाते तो कफन नहीं आया, किसी खाते तो 70,000 क्विंटल लकड़ नहीं आई, किसी खाते तो क्यों नहीं आया, कोई समग्री नहीं आई। ते जेड़े सिख मारे गए उना दे अंतिम संस्कार वास्ते गुरुद्वारा साहिब तो हेड ग्रंथी साहब नहीं आए, अरदास करन वाला कोई सिख नहीं आया, ते लाशां जड़ियां ने चुक के इत्थे लेके वास्ते बड़े दिन चाहिए सन, बड़ी समग्री चाहिए सी, और बहुत हर सिख दे वास्ते अरदास करन वास्ते पाई ते ग्रंथी चाहिदा सी, जिसका इंतजाम सरकार नहीं कर सकती सी। सरकार ने इस मामले नु निपटान वास्ते फौरन लाशां नु चुक के लोकपुरी दियां, कल्याणपुरी दियां, नंद नगरी दियां, जड़ियां वड्डियां कलोनियां, छोटियां कलोनियां, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, सड़क, ट्रकां दे विच, बसां दे विच, कारां दे विच जिहड़े सिख मारे गए सी, उन्हां दियां लाशां इन्हां ने खिच खिच के इकट्ठियां कीतियां। मैं सरकार नूं चुनौती देना, मैं दिल्ली पुलिस नूं चुनौती देना, जे एक भी FIR है ते सामने लैके आओ, जे किसी ने पोस्टमार्टम कीता ते सामने लैके आओ, जे कोई पंचनामा तुहाडे कोल है सामने लैके आओ, जे तुसी मरे हुए सिखां दियां फोटोआं खिच्चियां ने सामने लैके आओ, जे कारवालियां दा इंतजार कीता है सामने लैके आओ, जे सरकार दे किसी खाते तो लक्कड़ आई है ते सामने लैके आओ, जे गुरुद्वारियां च ग्रंथी अरदास करन वास्ते बुलाए ने सामने लैके आओ। सिख नहीं भुले गुरु तेग बहादुर साहब ने, गुरु अर्जन देव जी नूं, साहबजादियां नूं सिख नहीं भुले, सिख कदी नहीं भुलणगे।
ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਹਲੇ ਸਿਰਫ 40 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ 600 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਆਪਣਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੱਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬੀਤੇ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਜਨਰਲ ਵੇਦੀਆ ਨੇ ਲਿਆ ਜਨਰਲ ਵੇਦੀਆ ਦਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ ਸਿੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ 370 ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਅਜਰ ਆਲੀ ਦੀ ਪਹਾੜੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸੋ ਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਥਕ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰ ਗਏ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਰ ਗਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ ਡਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਦੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਡਰ ਕੇ ਕੁੱਟ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਨਾ ਬੋਲੋ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਅੱਜ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੰਜੇ ਆਏ ਨੇ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਸੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਹੋਰ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਜਸਵਿੰਦਰ ਦੇ ਟੀਵੀ 84 ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਵੀਰ ਜੀ ਔਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋ ਕਾਲਡ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਮਾਹੌਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਜੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬੱਬਰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਹਣੀ ਦਰਬਾਰ।
मतबा रंग परंगा नायक ना जापन करतबा जिया अंदर जिया सब कुछ जान ला सब कुछ तेरे बस काहे गवावे नूर काहे गवावे नूर दूरा तोई दूरा तोई जो लरे दिन के गेत दूरा तोई दूरा तोई दूरा तोई दूरा तोई वाहेगुरु जी की फतेह। आज असी सारे ही सवेर तो चले हाँ दिल्ली तो इत्थे दिल्ली तो नज़दीक 20-25 किलोमीटर की दूरी ते असी अरावली दियां पहाड़ियां विच घूम रहे हैं जिथे मारे गए निर्दोष सिखां नूं असी लभ रहे हैं। ऐ अरावली दियां पहाड़ियां दी चर्चा अज पूरे संसार विच है। मैं तुहानूं बड़ा साफ ते स्पष्ट दसन लगा 1984 दे विच जद लाशां गिरियां 1 तरीक 2 नवंबर 3 नवंबर 4 नवंबर वो लाशां जड़ियां गिरियां कांग्रेस सरकार ने ते दिल्ली पुलिस ने मिल के पहले ते दिल्ली दे विच सिखां दा कतलेआम करवाया। कतलेआम करवा के फिर जद लाशां गिरियां उन्हां लाशां नूं दिल्ली पुलिस कांग्रेस सरकार नाल मिल के इत्थे अरावली दियां पहाड़ियां दे विच लैके आया। अरावली दियां पहाड़ियां अज तो 40 साल पहला बहुत वड्डा घना जंगल सी बड़े खूंखार जानवर सी इत्थे इत्थे बड़े पेड़ सन बड़े जंगल सी और पहाड़ बड़े सन। आज इत्थे पहाड़ इन्होंने कट दिते जंगल खत्म कर दिते सड़कां बना दितियां पर मैं आज तुहानू दिखान लगा ए अरावली दियां पहाड़ियां। इन्हां पहाड़ियां विच जिहड़े सिख मरे सी दिल्ली विच पूरी दिल्ली विच उन्हां दिल्ली दे हर इलाके तो दिल्ली पुलिस ने लाशां चुकियां कोई FIR नहीं लिखी कोई लाश नू चुक के मुर्दा घरां विच लैके नहीं गए कोई हस्पतालां च लैके नहीं गए लाशां दा कोई पोस्टमार्टम नहीं कीता FIR नहीं लिखी दिल्ली पुलिस ने FIR नहीं लिखी पोस्टमार्टम नहीं कराया और लाशां नू सीधा ही चुक के ट्रकां सुटिया और ट्रकां सुट के इन अरावली दियां पहाड़ियां च लैके आ गए। इत्थे उन्होंने पेट्रोल डीजल कैमिकल पाके फूंक दिता रातां कालियां सन रातां ठंडियां सन एक दूरदर्शन सी सोशल मीडिया नहीं सी सरकार दा अखबारां ते कंट्रोल सी 5000 लाशां नूं साड़न वास्ते दिल्ली विच सिर्फ 24 शमशान घाट सन। दिल्ली दी पापुलेशन 35-40 लाख सी सिर्फ 24-25 शमशान घाट सन। 5000 लाशां नूं नहीं साड़िया जा सकता सी 5000 लाशां नूं साड़न वास्ते 70,000 क्विंटल लकड़ चाहिदी सी ते लाशां नूं साड़न वास्ते 2 महीने लग जांदे। लाशां दा अंतिम संस्कार करन वास्ते किसी ग्रंथी नूं नहीं बुलाया गया कोई कफन नहीं लियाया गया कोई घ्यो नहीं लियाया गया कोई समग्री नहीं लियाई गई। लाशां नूं चुकिया ट्रकां च पाया अरावली लैके आ गया कैमिकल पाके पेट्रोल ते डीजल पाके फूंक दिता। ए ओ जगह है ए ओ पहाड़ियां ने
असी सरकार तो मांग कर रहे हैं, असी मोदी सरकार तो मांग कर रहे हैं, असी अमित शाह तो मांग कर रहे हैं, असी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस चंद्रचूड़ साहब तो मांग कर रहे हैं कि सानू इंसाफ तो दिल्ली पुलिस ने एक भी FIR नहीं लिखी, जे FIR लिखी है तो लेके आओ। कोई पंचनामा नहीं कीता, कोई पंचनामा नहीं बनया, कोई है तो लेके आओ। कोई पोस्टमार्टम नहीं कीता, संसार जिस तरह कभी किथे नहीं होया, किथे नहीं होया, हिस्ट्री विच कभी भी नहीं होया कि 5000 लोगों नु चुक के तुसी पेट्रोल पाके जिंदा साड़ दो। ए बहुत भयानक कतलेआम सी, एक कतलेआम ते लोग करके चले गए, दूसरा कतल लाशां दा दिल्ली पुलिस ने कीता, कांग्रेस सरकार ने कीता, मरे हुए लोगों दा कतल कीता। फिर जेड़े जेड़े कतल हो गए, जेड़े मारे गए, उस तो बाद लाशां दे संस्कार तो बाद जेड़े फुल सन, ए हजारा किलोमीटर अरावली दियां पहाड़ियां ने, इन्हां पहाड़ियां ते फुल उन्हां ने सुट दिते। सारे फुल जेड़े गंगा च पाए जांदे ने ओ इन्हां पहाड़ां ते सुट दिते। अज असी सारे इत्थे आए हां, असी लभ रहे हां ओ जगह जिथे दिल्ली पुलिस ने सिखां दियां लाशां नूं कैमिकल पा के साड़िया सी, कांग्रेस सरकार ने साड़िया सी, ओ असी अज जगह लभ रहे हां। हुण असी इस प्रोग्राम तो बाद पर बात फेरी करांगे, फिर अगले या पहाड़ियां जावांगे ते असी कदी ना कदी उस जगह ते पहुंचांगे। असी सरकार नूं अज बेनती कर रहे हां कि सरकार इस गल दा पता लगाए कि FIR क्यों नहीं लिखियां गईयां, किसे इशारे ते नहीं लिखियां गईयां, पोस्टमार्टम क्यों नहीं कीते गए, पंचनामे क्यों नहीं बनाए गए, संस्कार करन वास्ते गैर धर्मां दे लोकां नूं क्यों बुलाया गया। जद कोई हिंदू मरदा है ते पंडित नूं बुलाना पैंदा है अंतिम संस्कार वास्ते, जद कोई मुसलमान मरदा है ते मौलवी नूं बुलाना पैंदा है अंतिम संस्कार वास्ते, जद कोई सिख मरदा है ज्ञानी ते ग्रंथी नूं बुलाना पैंदा है। 5000 सिखां दा अंतिम संस्कार करन वास्ते किसी एक भी गुरुद्वारे तो कोई भी भाई कोई भी ग्रंथी नहीं बुलाया। सरकार ने सिखां नाल धोखा कीता, 16 कमीशन बने, जांच कमेटियां बनियां, इंक्वायरी कमेटियां बनियां, पर एक कमेटी तो बाद दूसरी कमेटी बनी, एक कमीशन तो बाद दूसरा कमीशन बना, पर किसी ने इंसाफ नहीं दिया। मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा, इस गल नूं एक स्पष्ट करना चाहना, सिर्फ दो व्यक्ति दोषी नहीं हैगे, भगत ते सज्जन कुमार दी गल करके सिर्फ दो बंदियां नाल यह मामला खत्म नहीं होंदा। यह दो बंदे दोषी ने, टाइटर ते सज्जन कुमार हत्यारे ने, कातल ने, पर सिर्फ दो नहीं हैगे। सरकार सारी सी, पुलिस सारी सी, आज असी सुप्रीम कोर्ट दे चीफ जस्टिस साहब नो चंद्रचूड़ साहब नो अपील कर रहे हैं वो सो मोटो एक्शन ले, असी मोदी साहब नो अपील कर रहे हैं वो फौरन कार्रवाई कर, असी अमित शाह नो अपील कर रहे हैं वो फौरन कार्रवाई कर, ते दोषी पुलिस अफसर जेड़े पुलिस अफसर दोषी ने उन्हां नू गिरफ्तार करो, कांग्रेस के सारे लीडरां नू गिरफ्तार करो। इतने शब्द कह के मैं तुहाडा सारिआं दा शुक्र गुजार हाँ जिहड़े तुसी इत्थे सारे इकट्ठे होए हो। हुण असी प्रभात फेरी करांगे इन्हां पहाड़ियां दे विच, फिर प्रभात फेरी तो बाद फिर अगे असी दोबारा चलांगे अरावली दियां पहाड़ियां वाल, असी बार बार इन्हां पहाड़ियां विच आवांगे, असी इन्हां पहाड़ियां दा पीछा नहीं छड्डांगे।
वाहेगुरु जी का खालसा बोले बात फेरी करके फिर चलेंगे नहीं करते साचा नाम मेरा आधार मेरा जिन भूखा दुश्मन आया जिन इच्छा जब साजा कुरबान की ठाकुर जगह नानक सुनो संत सब करो पिया चाचा नाम मेरा आज वाजे पंच सबक सिकार दर सबा के शब्द वाजे चला जिन कर दारिया पंच रोज तुरवाज की काल कंठ और करम पाया तो जिन का से नाम वर्ते जगह नानक सुनो के कर अनदवा आनंद करो वट भाग सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विदूर रोग रोग संताप सुने सची बाण संत साजन बैसर पूरे सुखे जो तुझे पीठ कहते सब करवाया भर गुणवंत नन गोचरण वाजे मन सूरे चलो पाऊं गुरु पानी पिता माता दर्श तेसरा दोई चले धर्म जगत चंगियाँ बुरियाँ वाके धर्म दूर करनी आप अपनी नेड़े के दूर जिन्नी नाम जियाया जय मत तकदा नानक ते मुको जिन पेटे छुट्टियाँ बोलो वाहेगुरु जी का बोलो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह अरदास कोई ना मेरा वाहेगुरु बोलो जी वाहेगुरु एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी की साय वाह श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती समर्थ गुरु नानक दे आए फिर अंग जुड़ते मरदास रामदास हुई साय अर्जन घर गोविंद नो सिमरो सिया राय श्री हर कृष्ण दिया जय जिस जय सब चुक जाए तेग बहादुर सिमरिए घर नौ नतिया वेदाय सब थाई हुई साय दसवां पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सब थाई हुई साय दसवां पातशाह की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहेगुरु पंजाब प्यारियां चौहान साहबजादियां चालियां मुक्तियां अठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया बन सकिया देख चढ़ाई तेग भाई देखण कीता इन्हां प्यारियां सच्चियारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहेगुरु जिन्हां सिंघां सिंघां ने धर्म सी दित्ते बन बन कटाए खोपड़ियां नुआईयां चिरकणियां ते चढ़ियारा नाप चिराए गए गुरुद्वारा की सेवा ली कुने की धर्म नहीं आ रहा सिखी के संसा नाल निभाई तिना दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहेगुरु पंजा तख्तां सबद गुरुद्वारियां दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहेगुरु प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु 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 चितावे चिता मन का सदका सर सुख होवे जहां जहां गुरु खालसा जी साहेब तहां तहां रचा रहा देख देख फते बिरत की पैठ पंथ की जीत श्री साहेब जी की साय खालसे जी के बोल वाले बोलो जी वाहे सिखां नूं सिक्खी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिद्धा नाम दान श्री अमृतसर साहेब जी के दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बूंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहेगुरु सिखां दा मन नीवां मत ऊची मत पत का राखा हे अकाल पुरख अपने पंथ साईं दा तार जियो श्री ननकाणा साहब अते होर गुरुद्वारां दे गुरधामां जिहां तों पंथ नूं छोड़िया गया है खुले दर्शन दी दार अते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणियो के मान जियो निताणियो के तान नियोटियो के ओट सच्चे पिता वाहिगुरु आप जी दे पवित्र चरणां कुलां विखे अरदास बेनती जोजरी है सूरा सो पहचानिए जो लरे दिन के गेत पुरजा पुरजा खट मरे कबू न छाड़े खेत गगन मामा बाजियो अब जू जन को दाओ खेत जो मांडियो सूरमा
अब खेत जो के अब जो जन को दाव सबसे पाशा जियो 1984 दे कतले आम दे विच होए सिंगा दी शहीद नु सबसे पाशा जियो जो 5000 मृतक देहां नु लिया के अरावली दिया पाणा दे विच बेतरतीब पेट्रोल केमिकल डीजल पाके बेतरकी दे नाल गुरमां जातों नु रहत गुरु मर्याद नु छड़ के साड़िया गया है। उन्हां दी आत्मक शांति लई सतगुर सचे पातशाह जी अस समूचा सिख पंथ समूचा खालसा पंथ एकत्र होके सतगुर सचे पातशाह जी ने पहाड़ियां दे विच उन्हां दी आत्मक कल्याणता वास्ते अरदास बेनती जोजनी करदा है। सतगुर सचे पातशाह जी उन्हां शहीदां दी आत्मा नूं सूक्ष्म शरीर नूं सदीव काल अपने चरणां विच निवास बख्शना आवागमन तों लहत करना 84 दे गेड़े तों मुक्त करके पिछे परिवार नूं ਇਹ ਅਸਹਿ ਤਿਆ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣ ਦਾ ਤੇ ਬਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਪਾਠ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਚਰਨਾ ਕਮਲਾ ਪਾਤ ਪੜੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਆਤਮਕ ਕਲਿਆਣਤਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਗਾਜਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਕੇ ਬਰਕੋ ਕਾਲ ਕੰਦਕ ਦੂਰ ਅੰਗ ਸੰਸਾਈ ਹਰ ਮੈਦਾਨੇ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬਤ ਲਾਏ ਵੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੋਲੇ ਸੋਨੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਕੋਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਪੁਰਸੋਂ ਜੱਟੀਏ ਤੁਧ ਜਿਟੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਏ ਸਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਰਾ ਦੇ ਸਾਵੋ ਜਿਸ ਪੰਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸੋਈਏ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਓ ਜਿਸ ਪੰਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸੋਈਏ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਓ ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ ਸਰਵਨ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸੁਣੋ ਅਰ ਗਾਓ ਰਸਨਾ ਗੀਤ ਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ ਸਰਵਨ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸੁਣੋ ਅਰ ਗਾਓ ਰਸਨਾ ਗੀਤ ਰਾਓ ਕਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਮਰ ਮਾਧੋ ਹੋਏ ਪਤਤ ਪੁਨੀਤ ਕਾਲ ਪਿਆਲ ਜਿਉ ਪਰਿਉ ਡੋਲੇ ਮੁਖ ਪਸਾਰੇ ਮੀਤ ਆਜ ਕਾਲ ਪੁਨ ਟੋਗੇ ਗਿਰਸ ਗਏ ਸਮਝ ਰੱਖੋ ਚੀਤ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਭਜਲੇ ਜਾਤ ਅਵਸਰ ਬੀਤ ਆਜ ਕਾਲ ਪੁਨ ਟੋਗੇ ਗਿਰਸ ਗਏ ਸਮਝ ਰੱਖੋ ਚੀਤ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਭਜਲੇ ਜਾਤ ਅਵਸਰ ਬੀਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਤੇਰੀ ਸਾਧ ਮੇ ਜੀਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣਾ ਭੋਗ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣਾ ਬੈਰਾਗਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਦੇ ਬੋਤਲ ਲੈ ਸੰਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ ਐ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਰਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਾਮ ਜੋ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਸਰਵਨ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸੁਣੋ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣੋ ਅਰ ਗਾਓ ਰਸਨਾ ਦੇ ਜੀਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਓ ਕਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਮਰ ਮਾਧੋ ਹੋਏ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪਤਿਤ ਪਾਪੀ ਤੋਂ ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਮਰ ਹੋਏ ਪਤਿਤ ਕਾਲ ਪਿਆਲ ਜਿਉਂ ਪਰਿਉ ਡੋਲੇ ਮੁਖ ਪਸਾਰੇ ਮੀਤ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਸੱਪ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਭਜਲੇ ਜਾਤ ਅਵਸਰ ਦੀ ਐ ਮਨਾ
वाहगुरु अकाल पुरख नूं भज ले बोले भाई दया सिंह भाई धर्म सिंह भाई हिम्मत सिंह भाई मोहकम सिंह भाई साहब सिंह मेरे मना राम का अर्थ यह नहीं कि दशरथ का पुत्र राम नहीं और राम जो कण कण के समाया होया है ओदे नाल प्रीत कर सरवन गोबिंद गुण सुनो कना दे नाल गोबिंद दे गुण सुनो और गाओ रसना दे जीबा दे नाल ओदे गीत गाओ कर साध संगत सिमर माधो होए पतत पुनी संगतां दी साधां दी संगत करेगा तो पति पापी तो पुनीत हो जाएगा कर साध संगत सिमर होए पतत काल प्याल जो परयो डोले मुख पसारे मीत बलिया तेरे पीछे काल रूपी सप मुंह अटके घूम रहा है कह नानक राम भजले जात अवसर भी ए मना वाहगुरु अकाल पुरख नूं भज ले ताकि बोले भाई दया सिंह भाई धर्म सिंह भाई हिम्मत सिंह भाई मोहकम सिंह भाई साहब सिंह ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੂੰ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹੋਰ